बच्चों ने कोशिश की, कोई बच्चा आपसे आगे निकल गया, लेकिन आने वाले वक्त में जब भी आप कोशिश करेंगे आपके जहन में यही होगा कि अगर हम किसी मुकाबले में पीछे खड़े थे, आगे आने वाले मुकाबले में हम हमेशा आगे ही खड़े होने चाहिए। मैं आप तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप बच्चुसा की तरफ से। मैं आप तमाम हाजरीन को यहाँ खैर मकदम करता हूँ और मौके दिए जाते हैं जिन पर जिन मौके हैं। सभी टीचरों से गुजारिश है प्लीज, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर साहब आए वो थोड़ा एक्टिव रहे और थोड़ा बहुत यहाँ पे इसको थोड़ा بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانقلب नहीं किस अश्र नहीं किस बजूर मेरा जिक्र नहीं किस अश्र मेरी धुन नहीं मैं फिर भी अकेला रहता हूँ मुझसा भी कोई मजदूर नहीं से हवाले अज मलाल इत्राव सोन अज मलाल इत्राव सोन दर में बलनम हाग लाल अज मलाल इत्राव सोन अंडर 14 इस बच्ची को हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह आपको जिंदगी की हर बहुत स्कूल गोहन से इनका ताल्लुक, चूंकि यहाँ पर नाम नहीं लिखे अदारों के, चलो बहुत रहेगा। हमारी तरफ से इस बच्ची को बहुत बहुत मुबारक और अंडर 14 में पहली पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है। अभी आपके सामने अंडर 17 के नेता साथ यहां पर खड़े हैं। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है बिल्कुल सारे में बताता चलो आपको कि लास्ट ईयर जो रोड रेस का इंकार किया गया था उस वक्त ये अंडर 14 का हिस्सा थी और उस वक्त भी दूसरी पोजीशन हासिल की थी के साथ। लास्ट ईयर भी आई थी, लास्ट ईयर भी इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी शायद अंडर 14 में। अंडर 14 में पहली पोजीशन इनकी थी और मेडल दिया जा रहा है इनके लिए, जोरदार तालियां की जाए कि ये लगातार। सर आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स ऑलवेज ट्राइज टू पुट आउट द थिंग्स अमंग द स्टूडेंट्स दैट अंडर द फोर वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन देयर इज आल्सो एन एजुकेशन। आज आपने देखा कि अंडर 14 गर्ल्स रोड रेस हुई जोन चुंदुसा ने ऑर्गेनाइज की और डिपार्टमेंट हमेशा ये कहना चाहता है कि स्कूल के बाहर भी आपको एजुकेशन है एंड एजुकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देता है। आपने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हमने यहाँ पे फैसिलिटेट की एंड एसोसिएट साहब का हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार है कि उस वो यहाँ पे आ गए और उसने बच्चों के साथ 2-3 मिनट में उनको मोटिवेट किया। कम से कम कितने स्कूल के बच्चे इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेशन की? एटलीस्ट आप खुद भी यहाँ पे हाजिर थे सर, आपने खुद भी देख लिया कि कम से कम 20-25 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया। क्या इस तरह के प्रोग्राम्स आगे भी देखने को मिलेंगे? जी सर डेफिनेटली वी आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट फुट ऑफ द डिपार्टमेंट। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आगे भी यही प्रोग्राम हमेशा होते रहे और इस साल हमने जो है बॉक्सिंग का भी एक नया इवेंट हमने इंट्रोड्यूस किया
और टीटी के लिए भी हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और आर्चरी भी हमने इस साल जोन में इंट्रोड्यूस की,